नमस्कार, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी और हमारे साथ हैं विष्णु शर्मा। बात कर रहे हैं हम भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी की। जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ उस बीच में पाकिस्तान और भारत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई उसमें एक बात तो क्लियर हो गया कि पाकिस्तान ने भारत पे आज हमला करने की कोशिश की, जिसका कि भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस बीच जो जिस बात पे सस्पेंस बना हुआ है वो ये कि भारत ने ये माना है कि हमारा एक जेट जो है मिग वो मिसिंग है और उसका पायलट भी मिसिंग है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उस दो मिग मार गिराए हैं और भारत के दो पायलट उसके कब्जे में हैं। तो एक जो पायलट है अभिनंदन वर्धमान, उनके बारे में जो जानकारी आ रही है, उनके परिवार वाले भी सामने आ रहे हैं और उधर से पाकिस्तान की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया है, तो उसकी बात समझ में आ रही है। लेकिन दूसरे पायलट को लेकर के क्या पाकिस्तान झूठ बोल रहा है? क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने ना ही कोई उसका नाम बताया है, ना ही वीडियो जारी किया है। यदि जनेवा कन्वेंशन की वजह से वीडियो न भी जारी कर रहा हो तो ना फोटोग्राफ दिया है, ना उसका हुलिया, ना उसका था पता, कुछ नहीं बता रहा है। तो यहीं पे वो सस्पेंस बना हुआ है। विष्णु जी बताएंगे कि कहाँ और कैसे कहाँ पे। दरअसल जैसे ही खबर आई कि दो जेट गिराए हैं मिग वहाँ पर पीओके में, तब ये खबर आई तो पहले तो पाकिस्तानी मीडिया ने कन्फ्यूजन फैलाया कि जो बड़गाम में हमारा जो चॉपर गिरा है MI-17 जो ट्रांसपोर्ट का चॉपर था जिसका इससे कोई लेना देना नहीं, वो इंसिडेंट है। हाँ, वो उन्होंने अपना बताया, उसकी फुटेज चलाई, उसके तुरंत बाद उन्होंने दो पायलट की बताई कि दो पायलट हमारे कब्जे में। उन्होंने दो जो वीडियो थे, पहला वीडियो वो चलाया जो बेंगलोर में सूर्यकिरण के जो विमान दोनों एयर शो से पहले टकराए थे, उनके जो पायलट की वीडियो खुद हमने चलाई थी, वो कैसे लोकल लोग पहुंचे हैं और उस घायल से बात कर रहे हैं, वो कहने करके चलानी शुरू कर दी उन लोगों ने, मीडिया ने, वहां की डॉन और बाकी मीडिया ने, कि ऐसे ऐसे ये पायलट यहां मिला पीओके में। दूसरा उन्होंने फिर एक उड़ीसा का मयूरभंज में एक जो ट्रेनर विमान था 2015 में वो गिरा था, उसकी फुटेज चलानी शुरू कर दी कि ये पीओके का है। एक तीसरा जोधपुर वाला एक प्लेन था, उसका चलाने मिग का सेम मिग का चलाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में तमाम सारी अफवाहें, और अब आपने कहा जेनेवा कन्वेंशन की जो बात है उसके मुताबिक आप पब्लिक एक्सपोजर, पब्लिक इंसल्ट या पब्लिक क्यूरियोसिटी के लिए कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जो आपने कैप्चर किया है। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से पहले वीडियो आया अभिनंदन का जो पायलट थे, और बाद में वो हटा दिया गया 10 मिनट बाद, शायद इसी वजह से पाकिस्तान फिर से मीडिया के जरिए काम कर रहा था। तो अगर वो मीडिया के जरिए ये चीज़ फैला रहा था, उसके वीडियो फोटो जो सामने आ रहे हैं, अगर वो अभिनंदन के हैं तो ऐसा लग भी रहा है, तो दूसरे पायलट के मीडिया ने क्यों नहीं चलाए? जो चलाया वो एक गलत था, जो चलाया वो गलत था। तो दूसरे का ना तो अभी तक नाम किसी को पता है, ना इंडिया में जैसे अभिनंदन की फैमिली मीडिया से मिल रही है या मीडिया से मांग कर रही है, ऐसी कोई दूसरी फैमिली सामने आई है पाकिस्तान में। अब ये मैं आपको बता दूँ कि जो मेजर जनरल आसिफ गफूर थे जो आर्मी के प्रवक्ता, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे अपने लिखा कि हमने पायलट अरेस्ट कर लिया, पहले एक पायलट की बात आई और फिर बाद में अभी पाकिस्तान के इमरान खान हैं, उन्होंने दो पायलट की बात की है कि दो जेट गिराए, पायलट्स वर्ड लिखा है उन्होंने, अपने स्टेटमेंट में बोला भी है कि दोनों जो मिग विमान थे इंडिया के हमारे विमानों का पीछा करते हुए आए और दोनों को हमने मार गिराया और उसमें दो पायलट्स हमारे पास सेफ हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये झूठ क्यों बोल रहा है? ये एक जाँच करने वाली बात है, और इसमें मुझे लगता है जैसा कि इंडिया ने दावा किया कि उनका एक प्लेन मार गिराया है, तो वो एक प्लेन और उसका पायलट, ये भी आई कि उसका पायलट कूदा है, बचा है, नहीं बचा है, तो क्या मैं ये भी बताए थे उसका पायलट उधर की तरफ कूदते हुए दिखा है मतलब। हाँ, तो ऐसे में अगर वो जिंदा नहीं बचाया तो कल को कोई पाकिस्तान लाश प्रोड्यूस कर सकता है ये कह के कि ये इंडिया का पायलट है, अपने ही पायलट को, क्योंकि वहाँ ये बड़ी मुश्किल है कि पाकिस्तान में लोग मर जाते हैं और उसको ओन नहीं करते वो लोग, इतनी जो भी लोग मरे वहाँ पे, चाहे पहली सर्जिकल स्ट्राइक में, दूसरी एयर स्ट्राइक में और भी युद्ध में भी। तो सिवाय अपनी बढ़त दिखाने के लिए, इसका मकसद तो यही हो सकता है कि अपनी बढ़त दिखाए कि हमने आपके दो फाइटर जो है क्रैश कर दिए और दो पायलट हमारे कब्जे, क्योंकि नॉर्मली नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट झूठ बोलेगी। अगर एक पायलट और दो पायलट, एक पायलट के में अगर वो झूठ बोलती है, कल को उसकी फैमिली सामने आती है, तो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये तय है। ये बात इसमें लग रहा है क्योंकि दोनों तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो भारत ने स्वीकार किया है कि एक उसका मिग मिसिंग है और एक पायलट भी मिसिंग है, तो वो बात समझ में आ रही है कि पाकिस्तान। और दूसरी बात, अभिनंदन का जो फोटो आ रहा है काफ़ी हद तक हकीकत के नज़दीक दिख रहा है, बेशक अभी उसके बारे में दावे पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दूसरे मिग या दूसरे फाइटर और दूसरे पायलट के बारे में पाकिस्तान। दिलचस्प बात है कि दोनों जो विमान पायलट बात कर रहे हैं कि दोनों विमान पीओके में गिरे हैं, अगर मिग जो बात कर रहे हैं, इनमें से किसी की तस्वीर तक, फोटो तक सामने नहीं आई है।
जो तस्वीर चल रही हैं या तो फर्जी तस्वीरें चल रही हैं या वो जो विमान जो हमारा MI-17 गिरा है भड़काम में श्रीनगर से जोड़ा था उसका वीडियो रिलीज़ किया गया, लेकिन POK के किसी प्लेन की अभिनंदन की जरूर फोटो चल रही हैं, वीडियो चल रही हैं, लेकिन उस प्लेन की कोई तस्वीर फोटो नहीं है अभी तक। इसीलिए तो लग रहा है कि पाकिस्तान एक पायलट और एक मिग को लेकर के झूठ बोल रहा है, या तो जो उसका F-16 जो है मार गिराया गया है उसको वो छिपाना चाहता है क्योंकि उसको ऑन नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि जो गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये कहा था कि हमने इस ऑपरेशन में F-16 का इस्तेमाल ही नहीं किया है, और दूसरे पायलट को लेकर के तो ये बातें हैं। हालांकि ये बातें छिपती नहीं है, ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। भारत सरकार भी इस पे लगी हुई है और उनके उच्चायुक्त को बुला करके तलब भी किए गए थे, बातचीत भी हो रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर दें। थैंक यू।